सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, आज हम अपने फार्म पे आए हुए हैं। सुबह 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 का टाइम है और फीड देने के लिए, दाना डालने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। और देखिए, आपका फार्म दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये पे हमारा पॉन्ड, एक पॉन्ड है यहाँ पे और इसके बगल में दूसरा पॉन्ड है और एक जो बड़ा वाला पॉन्ड है वो आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं बड़े वाले पॉन्ड की तरफ और वो भी आपको दिखाएंगे। और उसमें अभी पानी भरा जा रहा है, उसमें मछली नहीं छोड़ी गई हैं, क्योंकि आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा वाला पॉन्ड है जो कि लगभग 10 कट्ठे में है और इसमें देखिए पानी भरा जा रहा है। ये देखिए, इसमें पानी फिल किया जा रहा है और कुछ कुछ पानी इसमें हो गया है अभी, और कुछ दिन इसमें पानी चलेगा तो ये पानी भर जाएगा, क्योंकि मोटर बहुत कम पानी दे रही है। आप देख सकते हैं 2 HP की हैवल्स की मोटर चल रही है, पर पानी ये बहुत कम दे रही है। और देखिए, इतना पॉन्ड अभी भर चुका है। अब आपको अपना दूसरा पॉन्ड दिखाते हैं जिसमें हमने मछली छोड़ी है। ये वाला वो पॉन्ड है, इसमें हमने मछली छोड़ रखी है। ये देखिए मछलियाँ दाना खाने के लिए सब ऊपर आई हुई हैं। सुबह का टाइम है इस समय और सब मछलियाँ दाना खाने के लिए एकदम बेचैन हैं। एक्टिव मछलियाँ हैं, एकदम कोई बीमारी नहीं है, एकदम मछलियाँ सब एक्टिव हैं। दाना डाल के अभी आपको दिखाते हैं कैसे मछलियाँ फीड इनटेक कर रही हैं। ये देखिए, पूरा हमारा पॉन्ड है और इसमें पानी अभी कम हो गया है तो पानी भी इसमें फिल करेंगे। इसमें पानी यहाँ से, इस पाइप से पानी इसमें हमें खोलना होगा। यहाँ से अभी पानी खोला जाएगा और पानी थोड़ा कम हो गया है, अभी दाना दे के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पानी हमने इसमें खोल दिया है और पानी इसमें फिल होना स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं मोटर बहुत ही कम पानी दे रही है, मोटर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, अब इसमें पानी फिल होना स्टार्ट हो गया है और अब इसमें चलते हैं, हम इसमें दाना डालेंगे। चल देखिए, दाना डाल के आपको दिखाएंगे उस रूम में, वहाँ पे दाना रखा गया है। चलिए चलते हैं उसकी तरफ। देखिए, यहाँ पे मोटर लगी हुई है, ये हैवेल्स की 2 HP की सिंगल फेस मोटर है। देखिए, ये फिलहाल देखिए बहुत ही कम पानी दे रही है। तो चलिए फीड हम आपको दिखाते हैं। हम इस समय कारगिल का फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पे इसे फर्मेंट करके रखा गया है। इसमें हमने नमक मिलाया है दाने में, 1 किलो दाने में आप लगभग 10 से 15 ग्राम नमक मिला सकते हैं। और नमक जो सेंधा नमक होता है वो रहे तो ज़्यादा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छी मात्रा में होते हैं, तो वो आपकी मछलियों को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अभी हम नमक मिला के दे रहे हैं मछलियों को। यहाँ पे ये रखा गया है दाना, चलिए आपको निकाल के ले चलते हैं, वहाँ पे मछलियों को दाना डाल के दिखाते हैं। ये देखिए, दाना हमने ले लिया है। ये इस बाल्टी में 6 किलो लगभग दाना इस समय हम दे रहे हैं मछलियों को एक टाइम में, और 2 टाइम दाना दिया जा रहा है, यानी कि रोज का लगभग 12 KG दाना मछलियों को दिया जा रहा है। और कुछ हमारे भाइयों ने कमेंट किया था कि क्या बायोफ्लॉक की जानकारी अब नहीं मिलेगी, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बायोफ्लॉक पॉन्ड दोनों की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी और हम रेगुलर अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चलिए आ गए अपने पॉन्ड तक और दाना डाल के दिखाते हैं। चूँकि बायोफ्लॉक और पॉन्ड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कॉमनली कर सकते हैं, तो वो जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो ये देखिए, दाना मछलियों को देते हैं। ये देखिए, जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए मछलियाँ कैसे दाना खा रही हैं। क्योंकि पानी थोड़ा अभी कम हो गया है पॉन्ड में, तो थोड़ा मछलियाँ धीरे दाना खा रही हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं बच्चे एकदम, मछली एक्टिव है, अच्छे से दाना इंटेक कर रही है। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, बारिश लगभग रोज ही हो रही है, और बारिश के मौसम में आप विशेष ध्यान रखें, बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो चूने का
रेगुलर इस्तेमाल करें। दाने में नमक और जितने भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स का भी आप इस्तेमाल करें दाने में, तो मछलियों की हेल्थ सही रहेगी। और पानी रेगुलर चेक करते रहें। तो दाना उन्होंने डाल दिया है मछलियों को और मछलियाँ दाना खा रही हैं, पानी भी भरा रहा है। और चलते हैं अपने घर की तरफ। अब मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तो व्लॉग में बने रहिएगा।